हेलो एवरीवन, दिस इज पूर्णिमा फ्रॉम सुभारती कंप्यूटर क्लासेस। आज की वीडियो में हम जानेंगे डिज़ाइन टैब के बारे में कि डिज़ाइन टैब में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं और किस तरीके से यूज़ होते हैं। इसके पहले हमने डॉट ऐप के बारे में जाना था, और अगर आपने एमएस वर्ड की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप उन्हें देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छे वीडियो हैं। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, डिज़ाइन टैब का सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, थीम। थीम पे अगर हम क्लिक करेंगे तो देखिए आपको बस टेक्स्ट में थोड़ा बहुत चेंजमेंट देखने को मिल रहा है और कुछ स्पेशल आपको नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर थीम का हमें यूज़ देखना है कि कैसे वाकई में थीम वर्क करती है, तो इस पर हम थोड़ी सी पहले फॉर्मेटिंग कर लेंगे। जैसे कुछ हेडिंग्स बना लेंगे, तो हम थोड़ा सा टेक्स्ट यहाँ पर सेपरेट कर लेंगे हेडिंग के लिए। ये जैसे थीम यहाँ पर हमने कर लिया, तो देखिए इस तरीके से हमने टेक्स्ट को अलग कर लिया है। ये हेडिंग के लिए हम बना लेंगे, तो हम इतने टेक्स्ट को जैसे वीडियो है हमने इसको सेलेक्ट किया, होम टैब पे आके इसको हम कोई भी स्टाइल दे देंगे। हेडिंग में कन्वर्ट करिए या फिर यहाँ पे बहुत सारी स्टाइल हैं, कोई भी स्टाइल दे दीजिए, क्योंकि स्टाइल पर ही हमारी थीम वर्क करेगी। तो हम इसको हेडिंग वन में कन्वर्ट कर देंगे। सेम प्रोसेस जैसे टू मेक है, इसको भी हेडिंग वन में कर देंगे। अब इसके बाद देखिए थीम है, थीम को सेलेक्ट करके इसको भी हेडिंग वन में कर देंगे। अब जो ये सेव टाइम है, इसको हम हेडिंग टू में कर देंगे, तो हेडिंग टू हमने कर दिया। और रीडिंग इज ईजियर जो है, इसको भी हम हेडिंग में ही रख देंगे, हेडिंग वन कर दिया। अब जो हमारा टेक्स्ट है, हम चाहें तो इस पर कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ना चाहें तो टेक्स्ट पे स्टाइल ना भी अप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हेडिंग होना ज़रूरी है। तो ये टेक्स्ट हमने ले लिया और इस पर कोई भी स्टाइल दे देंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने इस पर ये स्टाइल दे दी है। अब हम आ जाएंगे डिज़ाइन टैब पर और थीम पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ से हम थीम अप्लाई करेंगे तो आपको चेंजमेंट देखने को मिलेगा। तो देखिए जो हमारे टेक्स्ट हैं, हेडिंग है, उनका कलर देखिए आपको चेंज दिख रहा है। ये देखिए ब्लू हो गया है, ये हमारा कलर यहाँ पे हर जगह चेंज हो रहा है, ऑर्गेनिक हो गया है। इस तरीके डिफरेंट कलर हैं, जैसे जैसे हम कर्सर मूव कर रहे हैं हमें वो एडिटिंग देखने को मिल रही है। तो जैसे हमने ये वाली स्टाइल ले ली। अब यहाँ पे हम जाके देखिए, जब थीम अप्लाई होती है तो थीम के लिए यहाँ पे स्टाइल भी देते हैं, तो जो भी स्टाइल आप चाहें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको स्टाइल, जैसे जैसे कर्सर मूव हो रहा है आपको स्टाइल देखने को मिल रही है। तो जो भी स्टाइल आपको सही लगे, जैसे ये वाली सही लग रही, हमने इसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए जो हेडिंग वन में थी वो डार्क ब्लू है, और देखिए जो हमने हेडिंग टू में कन्वर्ट किया था इसको लाइट ब्लू से इसने किया है हाईलाइट। अगर आपको कलर नहीं सही लग रहा तो आप यहाँ पे जाके कलर को चेंज भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें भी जैसे ही आप कर्सर मूव करेंगे तो आपको कलर चेंजमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ से जो कलर आपको समझ में आए, सही लगे, आप यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने ये वाला कलर ले लिया तो देखिए इसका कलर यहाँ पर चेंज हो गया है। तो इस तरीके से हमारी थीम यहाँ पर वर्क करती है। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो फॉन्ट का है। फॉन्ट क्या, फॉन्ट स्टाइलिंग के लिए है कि देखिए जो टेक्स्ट हमारा है उसकी स्टाइल यहाँ पे चेंज हो रही है। आपको जो स्टाइल सही लगे यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमने ये वाली स्टाइल दे दी। अब इसके बाद देखिए पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन है, तो यहाँ पे पैराग्राफ का स्पेस केवल वो सेट करेगा, ना कि लाइंस के बीच का जो स्पेस है। तो पैराग्राफ स्पेस जैसे यहाँ पर हमने कॉम्पैक्ट कर दिया, तो इस तरीके से एयरटाइट किया, तो इस तरीके से, तो देखिए डिफरेंट टाइप से आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ से फिर से जाके पैराग्राफ स्पेसिंग हम सेट कर लेंगे, तो देखिए कॉम्पैक्ट है, तो ये देखिए कॉम्पैक्ट कर रहे हैं इस तरीके से है, टाइट पे कर रहे हैं तो इस तरीके है, ओपन पे कर रहे हैं तो इस तरीके से हमारी टेक्स्ट की स्टाइलिंग हो रही है, रिलैक्स्ड कर रहे हैं तो इस तरीके से, डिफरेंट टाइप की है जो भी स्टाइल आपको सही लगे। तो हमने जैसे ये वाली ओपन पे ले लिया, ये स्टाइल हमने सेट कर दी। अब देखिए इसके बाद हमारा ऑप्शन आता है इफ़ेक्ट का, बट अगर हम इफ़ेक्ट पे अभी क्लिक करें तो इस पर कोई भी चेंजमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि ये इफ़ेक्ट हमारा तभी वर्क करेगा जब हम कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट कराएंगे। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या है, हम कोई शेप ले लेंगे, तो इंसर्ट पे जाके हम एक शेप यहाँ पर इंसर्ट करा लेंगे। शेप पर आ गए,
यहाँ पे देखिए ये शेप हमने इंसर्ट करा लिया है। अब यहाँ पे डिज़ाइन पे आ जाएंगे और यहाँ पे इफ़ेक्ट, कोई भी इफ़ेक्ट हमें लगाना है तो यहाँ पे इफ़ेक्ट हम लगा देंगे। तो देखिए अब आपको थोड़ा सा लाइट डिफरेंस देखने को मिलेगा, देखिए ये इफ़ेक्ट चेंज हो रहा है हमारा। ग्लो एजेस पे कर देंगे, स्मोकी करेंगे या इस तरीके से करें तो देखिए आपको थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये इफ़ेक्ट के ऑप्शन हमारे हैं, तो हमने ये वाला इफ़ेक्ट लगा दिया। तो इस तरीके से आप किस, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होता आपकी थीम पे तो उस पर हम इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते थे। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर दीजिए। और जो सेट एज डिफ़ॉल्ट है, अगर हम इसको सेट कर देंगे तो ये थीम हमारी बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगी कि जब भी हम अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगी। अब हमें हटाना है इसे, कंट्रोल ए करके हम डिलीट कर देंगे तो जो भी थीम हमने लगाई थी वो सब कुछ रिमूव हो गया है। अब नॉर्मल टेक्स्ट हम लगा लेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा टेक्स्ट आ गया। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, वाटरमार्क। वाटरमार्क आपने देखा होगा, जैसे कोई भी आप कोचिंग में पढ़ते हैं स्कूल के, वहाँ के असाइनमेंट आते हैं तो जो टेक्स्ट होता है, जो कंटेंट होता है, उसके बैक साइड पे लाइट टेक्स्ट लिखा होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे ये दिखेगा। वाटरमार्क पे हम यहाँ पे आ जाएंगे और देखिए यहाँ पे कस्टम वाटरमार्क, तो हम कस्टम वाटरमार्क पे आएंगे। अब यहाँ पे देखिए टेक्स्ट वाटरमार्क है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब लैंग्वेज तो इंग्लिश ही रहेगी, या अगर आपको हिंदी देना है तो आप हिंदी भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम इंग्लिश रखेंगे। टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट आपको चाहिए आप यहाँ पे टेक्स्ट वो टाइप कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे दे दिया इंस्टीट्यूशंस। फॉन्ट यहाँ पे देना है, अगर आपको कोई भी फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे साइज इसका ऑटो ही रखेंगे, आप चाहें तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे ग्रे कलर ही रखेंगे और इसको अप्लाई कर देंगे। तो देखिए आपको बैक साइड ये दिख रहा है, अगर हम इसका यहाँ पे कलर चेंज करेंगे, जैसे हमने ये कलर ले लिया और इसको अप्लाई करेंगे तो देखिए इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे हम ग्रे कलर ही सेट करेंगे क्योंकि ये लाइट होता है। हम चेक करके देख लेंगे, इस तरीके से हमारा लाइट में आ जाएगा और यहाँ पे हम कर देंगे ओके। तो देखिए ये हमारा वाटरमार्क यहाँ पे अप्लाई होकर के आ गया है। अगर आपको ये वाटरमार्क हटाना है तो आप यहाँ पे आ जाइए, रिमूव वाटरमार्क, आपने जो वाटरमार्क लगाया है वो वाटरमार्क हट जाएगा। और इसके बाद देखिए आपने अभी टेक्स्ट लगाया है, इसी तरीके से आप वाटरमार्क पे कोई इमेज भी लगा सकते हैं। तो इमेज के लिए क्या करेंगे, हम कस्टम वाटरमार्क पे आएंगे और यहाँ पे देखिए पिक्चर पे आ जाएंगे। पिक्चर वाटरमार्क की पिक्चर हमें चाहिए, सेलेक्ट पिक्चर पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे वर्क ऑफलाइन कर रहे हैं क्योंकि हमें ऑनलाइन तो डाउनलोड करनी नहीं है, तो वर्क ऑफलाइन पे आ जाएंगे। और जहाँ आपके सिस्टम पे इमेज स्टोर होगी आप वहाँ से एक इमेज ले लेंगे। जैसे हम ये फ़ोन ले लेते हैं और हम इसको यहाँ पे इंसर्ट करा देंगे और इसको अप्लाई करके देख लेंगे, इस तरीके से आ जाएगा। इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे तो देखिए बैक साइड एक इमेज दिख रही है। तो आप इमेज भी लगा सकते हैं और टेक्स्ट भी वाटरमार्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। हटाना है तो सेम वही प्रोसेस, रिमूव वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे तो जो वाटरमार्क होगा वो हट जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेज कलर। तो पेज कलर के लिए यहाँ पर बहुत सारे कलर हैं, जो कलर आपको सही लगे अपने पेज के लिए, टेक्स्ट के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ये हमने ले लिया, अगर आपको ये पेज का कलर हटाना है तो पेज कलर पे जाके यहाँ पे नो कलर आप कर दीजिए, तो जो आप पेज कलर अप्लाई करेंगे वो यहाँ से पेज का कलर रिमूव हो जाएगा। और डिज़ाइन टैब का सबसे लास्ट ऑप्शन हमारा क्या है, पेज बॉर्डर। जब पेज बॉर्डर पे जाएंगे तो पेज के लिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप के बॉर्डर्स मिल जाएंगे। तो अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, असाइनमेंट बनाते हैं, किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं तो उसके लिए आप यहाँ से बॉर्डर ले सकते हैं। जैसे हमने ये वाला सेलेक्ट किया और यहाँ पे आप चाहो तो उसका कलर भी सेट कर सकते हो। अगर आप ब्लैक रखेंगे तो ब्लैक दिखेगा, और अगर आप कोई और कलर लेंगे, जैसे हमने ये ब्लू ले लिया और इसको हमने यहाँ पर ओके कर दिया, तो देखिए इस तरीके से हमारा पेज का बॉर्डर आ जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, मतलब कि अभी लाइट पे शो कर रहा है, अगर आपने ये वाला सेलेक्ट कर लिया तो देखिए इस तरीके से आपका बॉर्डर यहाँ पे आएगा। ओके करके देख लेते हैं तो देखिए इतना डार्क हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारे बॉर्डर हैं, बहुत डिफरेंट टाइप की लाइन है, जैसा भी बॉर्डर आप लगाना चाहें अप्लाई कर सकते हैं। कलर भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद जैसे ये हमारा आजकल आप देखते हैं स्कूल में बच्चों को होमवर्क मिलता है, पीडीएफ पे आता है,
तो यहाँ पे अगर कुछ इस टाइप से यूज़ करना है आपको, थोड़ा सा बच्चों के लिए रेडी करना है असाइनमेंट, तो आप यहाँ से डिफरेंट टाइप के बॉर्डर ले सकते हैं। जैसे ट्री है तो हमने ये वाला ले लिया, या फिर एप्पल वगैरह हैं, बहुत सारे अच्छे से बॉर्डर हैं आप देख सकते हैं। या फिर आप कोई सर्टिफिकेट वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे बहुत अच्छे बॉर्डर हैं, आप चेक कर लीजिएगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे ये कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं, देखिए ये है और हमने इसको यहाँ पे ओके कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पेज का बॉर्डर लग करके आ गया है। अगर आपको पेज का बॉर्डर यहाँ से हटाना है तो पेज के बॉर्डर पर आप क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए सेटिंग पे नन है, सबसे फर्स्ट ऑप्शन पे बस आप नन पे क्लिक करिए और ओके कर दीजिए। तो जो आपने पेज का बॉर्डर लगाया होगा वो आपके पेज का बॉर्डर हट जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने डिज़ाइन टैब के बारे में जाना कि उसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं और उन्हें किस तरीके से यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।